हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे युग्मक जनन यानी गेमेटोजेनेसिस के बारे में। हमको पता है कि इंसान में या मनुष्य में दो प्रकार के युग्मक या गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर गैमेट्स जब बनते हैं यानी युग्मक जब बनते हैं, तब इस क्रिया को युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस कहा जाता है। अब मेल में मनुष्य में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? वृषण। वृषण जो है वो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग कहलाता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को का प्रतिनिधित्व करता है। और अंडाशय जो है वो प्राथमिक जनन अंग कहलाता है फीमेल में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रतिनिधित्व करता है। और वृषण के अंदर मेल गैमेट यानी स्पर्म के रूप में और अंडाशय के अंदर फीमेल गैमेट अंडाणु के रूप में बनते हैं। तो इस प्रकार अंडों के बनने की क्रिया है ना, अंड जनन, और शुक्राणु के बनने की क्रिया जो है वो शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्म और एग, शुक्राणु और अंडा, दोनों की ही उत्पत्ति आदि जनन कोशिका से प्रारंभिक भ्रौणिक परिवर्धन के क्रम में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में होता है। जिस समय भ्रूण के अंदर जब शिशु जो है वो गर्भ में पनपते रहता है और उसमें जब सेक्स ऑर्गन्स बन जाते हैं, ये जो है मेल या फीमेल डिसाइड हो जाता है जिस समय, उसी समय से इनमें जो अंडाशय का निर्माण होता है, जब परिपक्व समय, जब शिशु परिपक्व एक मैच्योर बॉडी को प्राप्त कर लेता है, उसमें लैंगिक अंग जो है वो बन जाते हैं, है ना। बॉयस में यानी मेल जो चाइल्ड है उसमें वृषण यानी टेस्टिस, और फीमेल चाइल्ड में अंडाशय यानी ओवरी का निर्माण हो जाता है, तब जो उसका जो मेसोडर्म की कोशिकाएँ होती है, उसी समय से इनकी जनन कोशिका में प्राथमिक सेल का बनना यानी प्राइमरी सेल्स का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, जो परिवर्तित होते भ्रूण के जननांग में फिर स्थानांतरित हो जाते हैं। और परिवर्धन के सभी अग्रिम क्रियाओं को ये पूरा करते हैं। मनुष्य के बॉडी में, मनुष्य जब किशोरावस्था में होता है, लगभग 11 से 13 वर्ष के आयु के लड़कों में वृषण की शुक्राणु जनन नलिकाओं में प्रारंभ होता है शुक्राणु जनन की क्रिया। अब ये बात को इस तरह समझना है कि जब भ्रूणीय अवस्था में मेसोडर्म की कोशिका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण करती है, वृषण का निर्माण होता है, इस समय प्राथमिक प्रकार की कोशिकाएँ बनती है जो मैच्योर नहीं होती। धीरे धीरे उम्र के साथ ये मैच्योर होती जाती है और 11 से 13 वर्ष की आयु तक ये कोशिकाएं जो प्राइमरी लीडिंग सेल्स होती है, प्राथमिक सेल होती है, ये मैच्योर हो जाती है। और अब जब इनमें विभाजन होगा तब शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके पहले तक कोशिकाएँ विभाजित जरूर होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होता है, लेकिन इनमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता। तो इस प्रकार अंड जनन की क्रिया जो है 9 से 11 वर्ष की आयु की लड़की के अंडाशय में फॉलिकल से प्रारंभ होता है, और 11 से 13 वर्ष की आयु के लड़के में वृषण की शुक्राणु जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होना शुरू होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है और कैसे होता है। तो शुक्राणुओं के विकास कुछ आदि बीज कोशिकाओं से, जैसे मैंने कहा है कि भ्रूण के निर्माण के, भ्रूण जब परिपक्व होता है और एक शिशु के रूप में परिवर्तित होता है, जब उसमें सेक्स ऑर्गन बन जाते हैं तभी टेस्टिस का निर्माण जो है वो होता है, और उसमें जो आदि कोशिकाएं होती हैं इनमें विभाजन होकर प्रारंभिक प्रकार की कोशिकाएं बननी होती है। तब ये क्रिया जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है वो 3 अवस्थाओं में पूरा होता है, गुणन अवस्था फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वृद्धि अवस्था यानी फेज ऑफ ग्रोथ, और परिपक्वता की अवस्था यानी फेज ऑफ मैच्योरेशन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
आप लोगों को याद होगा मैंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाया था, जिसमें ये टेस्टिस है, वृषण है, जिसमें अति कुंडलित नलिका होती है जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का हमने सेक्शन कटिंग का वृषण नलिका। तो वृषण नलिकाएँ में ये जो है ना, ये कोष है वृषण कोष, जिसकी सेल्स जो होती है वो आदि सेल होता है और इसमें डिवाइड होता है, डिवीजन चलते रहता है, और ये डिवीजन जो है वो समसूत्री विभाजन होता के द्वारा होता है, और ये बीच बीच की जो कोशिकाएं होती हैं ये अंतराली कोशिकाएं कहलाती है। इन्हीं अंतराली कोशिकाओं से मेल हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। यहाँ पर हमने इसकी संरचना को पढ़ा था, मैं रिपीट कर रही हूँ। कुछ कोशिकाएं जो है वो शुक्राणु का निर्माण करती है, और बीच बीच में जो कोशिका होती है वो सर्टोली सेल्स कहलाती है। ये सर्टोली सेल्स हार्मोन्स के सिक्रेशन के अलावा उसके कब बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, इसकी मात्रा पर भी नियंत्रण करती है, और शुक्राणुओं को पोषण देने का भी काम करती है। तो अब हम एक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर का भाग है उसके भाग को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार इसका सेल जो है वो डिवाइड होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक जो हमने अभी देखा वृषण नलिका के बीच का है ना, ये जो है वो इसका एपिथेलियल लेयर हो गया बाहर का, और ये जो है वो प्राथमिक लीडिंग सेल्स होती है, प्राइमरी लीडिंग सेल्स होती है, प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिकाएं होती हैं जिनमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, एक केंद्रक के अंदर मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स हैं, 44 जो है वो सोमेटिक सेल्स और 2 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। पुरुष में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होता है, हमको पता है। अब यहाँ पर जब समसूत्री विभाजन हो रहा है तो इससे जो कोशिकाएँ बनेगी, दो प्रकार की कोशिका बनेगी। फर्स्ट जो है वो स्पर्मेटोगोनियम ए, और दूसरा जो है वो स्पर्मेटोगोनियम बी प्रकार की सेल होती है। जो ए टाइप की सेल होती है उनसे शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता, वो जो है बी टाइप की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है। बीच बीच में सर्टोली सेल होती है, ये भी शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है, और यहाँ पर भी समसूत्री विभाजन हो रहा है। समसूत्री विभाजन हो रहा है मतलब इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या है 2N यानी 46, और जो स्पर्मेटोगोनियम बी टाइप की होती है इनमें आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन लंबा चलता है प्रोसेस, हमको पता है। पहली बार जो है विभाजन होता है तो अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, है ना। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से दो सेल बनेगा, किसी भी एक सेल से। यहाँ पर कंटिन्यू बहुत सारे सेल हैं, तो बहुत सारे सेल में अर्धसूत्री विभाजन कंटिन्यू चल रहा है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही सेल में चल रहा है, सभी बहुत सारे सेलों में चल रहा है। अब यहाँ पर अगर एक स्पर्मेटोगोनियम बी सेल जो है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा डिवाइड हुई और दो सेल को बनाई, तो उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या होगी एन, यानी कितना हो गया 23। 22 जो है वो सोमेटिक, और एक जो है वो या तो एक्स क्रोमोसोम्स वाला होगा या तो वाई क्रोमोसोम्स वाला होगा। ओके, अब ये जो दो सेल है वो फिर से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन दो बार होता है, प्रथम विभाजन में अगुणित कोशिका बनी, दूसरी बार जब इन दोनों कोशिकाओं में विभाजन होगा तो फिर से दो दो बनेगा, मतलब दो और दो कितना हो गया, चार हो गया। और इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है, पहले बार विभाजन में एन हो गया था, तो दूसरी बार विभाजन जो है वो समसूत्री विभाजन टाइप का होगा, तो इसमें अब केंद्रक में कितने क्रोमोसोम्स है, एन। तो कोई जो कोशिका है वो एक्स वाला क्रोमोसोम्स वाला है, और कोई जो कोशिका है वो वाई वाला कोशिका होती है। ये जो कोशिकाएं विभाजित हुई है ये क्या होती है कि ये सर्टोली जो सेल्स हम देख रहे हैं उससे आकर चिपक जाती है, और यहाँ पर इन सर्टोली सेल्स से पोषण लेती है, और पोषण लेने के फलस्वरूप फिर धीरे धीरे इसमें कायांतरण होता है, और इस कायांतरण के फलस्वरूप इसमें ये इस प्रकार जो हम संरचना देख रहे हैं लंबा सिर बन जाता है, पुंछ बन जाता है ना। तो इस प्रकार शुक्राणु जो है वो यहाँ पर परिपक्व होते हैं, ये कहलाता है शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम इसको चार्ट के रूप, यहाँ पर हम एक शुक्राणु की संरचना को देखेंगे। सबसे पहले शुक्राणु की संरचना में हम देख रहे हैं एक हेड है, हेड में एक अग्रपिंडक है, एक्रोसोम है ना, ये जीवद्रव्य जो झिल्ली है वो इसको चारों तरफ से घेरी हुई है, जो प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। अग्रपिंडक एक्रोसोम होता है, और यहाँ पर जो इसकी मुख्य कोशिका शीर्ष भाग का है, ये बड़ा सा इसमें केंद्रक है, केंद्रक में जो है वो केंद्रकी पदार्थ यानी क्रोमोसोम्स होंगे। तो इसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23 में 2 जो है वो सोमेटिक टाइप का, और 1 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होगा, या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा। ओके,
यहाँ पर जो अग्रपिंडक बना है ये फर्टिलाइजेशन के समय एग को या अंडाणु के दीवार को भेदने में इसकी मदद करता है और ये बाद में टूटकर अलग हो जाता है। सेकंड इसका पार्ट है ग्रीवा, गर्दन। ये वाला जो भाग हम देख रहे हैं ये गर्दन है, यहाँ पर होता है सेंट्रियोल। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये जो एक्रोसोम्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बना होता है और ये काफ़ी एक्टिव होता है, और ये जो ग्रीवा है यहाँ पर होता है सेंट्रियोल। और इसके बाद ये हम इसका मध्य भाग देख रहे हैं, मध्य भाग में ये जो भाग देख रहे हैं ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और यहाँ पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, हमको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, और एटीपी ऊर्जा जो है वो कार्य करने के लिए मदद करता है, है ना। तो यहाँ पर शुक्राणु जो है बहुत तेज़ गति से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और उसके लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार इस सिर को आगे बढ़ने के लिए और पूंछ को गति करने के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है ये जो है वो पूंछ, है ना। तो ये कोशिका द्रव्य से बना होता है और ये पूंछ जो है वो स्पर्म को यानी शुक्राणु को गतिशील या सक्रिय बनाए रखता है। इसके मध्य भाग में हम देख रहे हैं एक रेखा टाइप का, ये कहलाता है एक्सोनियम, और इसका कुछ हिस्सा जो है वो पूंछ के बाहर निकला होता है। तो एक शुक्राणु की संरचना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम आप नामांकित चित्र अपने नोट बुक में यानी कॉपी में आप लोग इसका बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के चार्ट के रूप में। तो जैसे कि हमने देखा कि प्रारंभिक आदि कोशिकाएँ होती हैं, यौनारंभ होने पर ये कोशिकाएँ जो हैं वो डिवाइड होने लगती है और समसूत्री विभाजन के द्वारा कई परत आपका जो वृषण नलिका है उसके अंदर बना देती है। यहाँ सभी जो कोशिकाएं हैं वो क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन के द्वारा हो रहा है। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा हमने दो प्रकार की कोशिका पढ़ा, स्पर्मेटोगोनियम ए और स्पर्मेटोगोनियम बी। स्पर्मेटोगोनियम ए जो है पोषण प्रदान करती है, स्पर्मेटोगोनियम बी की कोशिकाएं आगे चलकर विभाजित होती है। अब यहाँ पर पहले जब समसूत्री विभाजन हो रहा था तो इसका जो केंद्रक है इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या थी 46, है ना। इसके बाद फिर यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा, यहाँ पर आप लोग लिख लोगे 2n 2n, यहाँ पर भी 2n। ठीक है, अब ये जो है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिका बनाई इसमें, तो दोनों में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी, 23 n 23। तो ये क्या हो जाएगा, n। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे n और यहाँ पर n, यहाँ तक 2n था, ये प्रथम अर्ध यानी विभाजन था, ये सूत्री विभाजन। अब यहाँ से प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है जिसके फलस्वरूप दो सेल बने, यहाँ पर अब क्रोमोसोम की संख्या होगी n, यानी क्रोमोसोम्स की संख्या हो गई 23। सेकंड अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप दोनों से फिर से दो दो बना, यानी चार कोशिका बन गई, और इसमें भी क्रोमोसोम्स की संख्या होगी n, आप लोग इसको लिख लेंगे n। अब ये जो चार सेल बने हैं, स्पर्मेटिड्स बने हैं, यही जो है वो इनमें कायांतरण होगा और ये बन जाएंगे स्पर्म, शुक्राणु, जिसमें हेड है, मध्य भाग है और टेल है। ये होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। एक समय में मेल जो वृषण है या टेस्टिस है उसमें लगभग 20 से 30 करोड़ तक एक समय में ये स्पर्म को डिस्चार्ज कर सकता है, और इनमें से 60% जो स्पर्म होते हैं वो सामान्य आकार और आकृति वाले होते हैं। कुछ जो है वो डैमेज हो सकते हैं लेकिन 60% इसमें से स्ट्रांग होते हैं, उर्वर शक्ति वाले होते हैं, और इनमें से कम 40% जो है वो आवश्यक रूप से सामान्य रिप्रोडक्शन के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। ये जो स्पर्म यहाँ पर वृषण नलिका के अंदर बना है, यहाँ से होते हुए ये जाते हैं एपिडिडाइमिस में, हमने यहाँ पर इसकी संरचना पढ़ी, ये तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में शुक्राणु बने हैं ये कहाँ जाते हैं, यहाँ अधिवृषण में एपिडिडाइमिस में जाते हैं शुक्रनलिकाओं के सहायता से, है ना। इसके बाद यहाँ पर ये काफ़ी देर तक रहते हैं जहाँ पर इनका मैच्योरेशन होता है, पोषण मिलता है, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इन शुक्राणु शुक्रवाहिका जो नलिका है यहाँ से आते हैं, शुक्राशय से उसको पोषण मिलता है, है ना। और जो मेल प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं और यहाँ पर जो ग्रंथियाँ पाई जा रही है उनसे इनको
पोषक पदार्थ और जो भी शर्करा वगैरह है ना, ये यहाँ पर शुक्राणु के साथ मिल जाते हैं इसको अतिरिक्त उर्वरक शक्ति प्रदान करने के लिए। इस प्रकार एक सीमेन तैयार हो जाता है और ये जो है शुक्राणु के साथ साथ बाहर आते हैं। तो इस प्रकार पुरुष की सहायक नलिका और ग्रंथियों के कार्य को वृषण हार्मोन्स जो होते हैं, वृषण में बनने वाले जो हार्मोन्स हैं, इन सारे कार्यों का नियंत्रण करते हैं। शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस पर हार्मोन्स के नियंत्रण की बात करें तो हमने लीडिंग सेल्स पढ़ा था। लीडिंग सेल से एक प्रकार का हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स स्रावित होता है जो जिसकी आवश्यकता शुक्राणु के निर्माण के समय होती है। ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो शुक्राणु के निर्माण पर नियंत्रण रखता है। और इसमें जो हमने अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स पढ़े थे, ये उत्तेजक हार्मोन्स की लक्ष्य कोशिकाएं हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे मस्तिष्क में जो पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि पाया जाता है, इसके अग्रपाली से निकलता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल उत्तेजिंग हार्मोन्स FSH और LH, याद रखना LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और FSH फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स, ये दोनों के समान होती है। तो फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन के नियंत्रण में सर्टोली कोशिकाएं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्रावण करती है जो टेस्टोस्टेरोन की सांद्रता को शुक्राणु नलिकाओं में बढ़ा देता है। सर्टोली की कोशिकाएं भी इनहिबिन नामक एक अन्य प्रोटीन का स्रावण करती है जो कि फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स के बनने की क्रिया को धीमा कर देता है। इस प्रकार ये सभी मिलकर जो है वो हार्मोन्स का बनना और शुक्राणु के बनने पर नियंत्रण रखती है। और इस प्रकार इस क्रिया को प्रभावशाली बनाने में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का सहयोग मिलता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अथवा अंतराली कोशिका जो है उत्तेजक हार्मोन का नियंत्रण हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क में की संरचना 10th में याद करो, हाइपोथैलेमस, यहाँ से स्रावित हाइपोथैलेमिक गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स के द्वारा होता है। और जो टेस्टोस्टेरोन का स्तर है ये ऋणात्मक पुनर्भनन क्रिया के नियंत्रण के द्वारा होता है जो कि FSH हार्मोन्स के स्राव को धीमा कर देता है।